नमस्कार दोस्तों, मैं नाम देवेंद्र, मैं फाइनेंशियल प्लस इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। आज की वीडियो में आपका LIC का सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्लान, सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लान, सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न हाई कवरेज देने वाला प्लान LIC का जीवन उमंग प्लान लेके आया हूँ। इस प्लान में स्पेशली जो लोग जो अपना पेंशन के बारे में सोच रहे हैं, रिटर्न के बारे में सोच रहे हैं, या जो ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि मेरे को 45 या 50 या 60 साल के आसपास में मेरी जब उम्र हो जाए उस टाइम पर तो मुझे अच्छा खासा अमाउंट रिटर्न मिलता रहे, और इसके साथ में जो जब मेरी मैच्योरिटी होती है पूरा बहुत ही अच्छा अमाउंट मिले और परिवार के लिए भी बहुत ही अच्छा हो जाए। क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ हो सकता है कि आप ना रहो इस दुनिया में, तो हो सकता है कि वो अमाउंट आपके परिवार के लिए बहुत ही अच्छा बेहतर साबित हो सकता है। तो मेरा यही मकसद है मेरे भाई कि आपको सही सलाह देना, सही एडवाइस देना। तो चलो आज की इस वीडियो में आपको जीवन उमंग प्लान के बारे में आपको एडवाइस दूंगा और सारी प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ जीवन उमंग प्लान के बारे में। बारीक से बारीक पॉइंट समझाऊंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखना, कंटिन्यू देखना और कोशिश करना अपने भाइयों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास है और उनकी लाइफ में भी चांसेस हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से। तो भाई लोगों, बहुत से लोग इस प्लान को लेने के लिए इंटरेस्टेड भी होते हैं, उनके मन में एक इच्छा भी होती है कि भाई मैं इस प्लान को लूँगा, लेकिन मेरे पास उतना बजट नहीं है, मैं यार मजदूरी करने वाला, दिन दाड़ी वाला कदम ऐसा व्यक्ति हूँ और कहाँ इस प्लान को ले पाऊँगा। बिल्कुल जी हाँ, जो दैनिक मजदूरी करने वाले हैं, आम लोग हैं, वो भी इस प्लान को ले सकते हैं। वो भी आम लोग मजदूरी करने वाले हैं, दिनदाड़ी वाले लोग हैं, वो भी इस प्लान को ले सकते हैं और अच्छा खासा एक पेंशन के हिसाब से रिटर्न ले सकते हैं अपने आने वाले टाइम में। मेरे हिसाब से जो भी लोग हैं, इस वीडियो को पूरा देखो और करंट के साथ आपको अच्छा से बेहतर आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। चलो आगे बढ़ के आपको सारा प्रोसेस इस प्लान के बारे में बताता हूँ। तो भाई लोगों, अब जो अपना जीवन उमंग प्लान है वो एक गारंटेड 8% आपको रिटर्न देगा। होल लाइफ इंश्योरेंस है ये, एक आपको इंश्योरेंस कवर के साथ में मैच्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है। मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल बता दूं, मेरी ये जो बच्चे की एज है 5 साल है, ठीक है, मैं उसके लिए प्लान ले रहा हूँ। ये समी सॉर्ट मैंने 10 लाख का लिया और इसके साथ में मैंने टर्म ले लिया भाई कि 30 साल, जब वो 35 साल का होता है तब उसको रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। ये एक गारंटेड रिटर्न है, 10 लाख का मतलब 8%, यानी आपके 80,000 के करीब मुझे 35 साल होने पर मेरा लड़का जो बच्चा है 35 साल का होगा उस वक्त उसको रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। 80,000 रुपये मिलता रहेगा लाइफ टाइम तक उसको, जब उसकी डेथ होगी तब इसके साथ में जो भी मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो मिलेगा। तो कितना मिलेगा ये भी आपको बता देता हूँ। और एक और चीज़ बता दूँ मेरे भाई लोगों कि जैसे जैसे इसमें जो बढ़ रही है ना, जैसे जो भी इसकी 5 साल हुई, 10 साल हुई, 15 साल, 20 साल हुआ, 25 साल, ऐसा जो जिसकी उसकी एड बढ़ती जा रही है ना, उसके हिसाब से उसका कवरेज भी बढ़ता जा रहा है। जो इसका डेथ बेनिफिट है, जो लाइफ का कवरेज है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जितना भी आपका अमाउंट होगा उसके हिसाब से बढ़ता जाएगा, वो कम नहीं होगा लेकिन वो फिक्स नहीं रहेगा, बढ़ता ही जाएगा इसमें और घटेगा नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब रिटर्न वगैरह कितना क्या मिलेगा वो आपको बता देता हूँ, यानी 35 साल बाद मेरा जो किस्तें वगैरह जो बनना है वो बंद हो जाएगी। अब रिटर्न कितना मिल रहा है ये भी आपको बता देते हैं। तो पहले को आपके सामने मैंने टेबल रख दिया है, मेरे मान लो बच्चे की एज है 5 साल है और मैंने जो सेमी शॉर्ट लिया है, अपना बीमा लिया है भाई लोगों, वह 10 लाख रुपए का लिया है। मंथली जो मेरी किस्त कही हो रही है, आप ईयर के हिसाब से मैंने चूज़ किया है, तो इसमें ईयर के हिसाब से 30,000 के आसपास मेरी इसमें किस्त आएगी, ठीक है। वो कंटिन्यू मुझे जो 30 साल तक बढ़ना है, जब मेरे बच्चे की एज है जो अपनी 35 साल हो जाएगी तो उसके रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे उस बच्चे की एज अभी छोटा है वो, तो जो जैसे 5 साल का है तो वो 2 साल के बाद में, आफ्टर 2 साल के बाद में उसका इंश्योरेंस कवरेज चालू हो जाता है। जैसे उसका कवरेज चालू होगा वो 7वें साल से, तो वो होगा आपके 11 लाख रुपए और आपका होने वाला है 71,000 के रुपए आप आसपास होगा, और ये बढ़ता जाएगा, कंटिन्यू बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। ये कंटिन्यू बढ़ता जाएगा 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, ये कंटिन्यू बढ़ता जाएगा लेकिन कम नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ में जैसे आप बढ़ोगे ना, आपको टेबल में देखते जाओ कि कितना क्या रिटर्न मिल रहा है। अब बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि भाई 35 साल होते ही, जो उसकी एज 35 साल होगी तो उसको रिटर्न कितना मिलेगा। तो भाई लोगों, उसको रिटर्न मिलेगा ना वो जो 80,000 रुपये मिलता रहेगा उसकी लाइफ टाइम तक, 50 साल हो, 100 साल हो, जब भी वो डेथ होगी ना तब तक उसको पेमेंट मिलता जाएगा। इनके सीधी बीच पे कुछ हो जाता है तो वो जितनी टाइम में उसका जो होता है 40 साल, 45 साल, जिसकी एज में उसका कुछ भी होता है, तो कंपनी उसका जिम्मेदार होती है और जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा। जो आप मैच्योरिटी देख सकते हो, जो मैंने इस पर बारीक से बारीक बता रखा है, इस जो स्लाइड में मैंने जो आपको स्क्रीन पे देख रहा है ना, आप देख सकते हो अपने हिसाब से कि 40 साल है तो 40 साल में आपको कितना क्या रिटर्न मिल रहा है, 45 साल है तो 45 साल में आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। और ये और चीज़ बता देता हूँ, यदि आपने उसमें टर्म रेडर करा रखा होगा कि भाई एक्सीडेंट वाला, तो आपको डबल ही मिलेगा, इसके अप्रोक्सीमेटली डबल ही मिलता है, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। और टोटली हमारा जो कुछ नहीं होता है और हम 100 साल तक जिंदे रहते हैं, जो मेरा बच्चा है 100 साल तक जिंदा रहता है, तो उसको मैच्योरिटी टाइम हो जाएगा और 100 साल के बाद में उसको पेमेंट मिलेगा ना, वो आप सोच नहीं सकते इतना पेमेंट मिलेगा। कितना मिलेगा आप देखो, अप्रोक्सीमेटली जो हमने पेमेंट पे किया ना कंपनी को, तो पेमेंट हमें 8,83,000 के आसपास हमने पे किया है, और टोटल में जो रिटर्न मिल रहा है वो कुछ 2 करोड़
और 8 लाख रुपए के आसपास हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है भाई, इनमें आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है यदि आप जो इसको कंटिन्यू रखते हैं और कुछ टाइम के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा है। और बीच में यदि आप छोड़ भी देते हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है भाई, ये एक फुल टाइम है, यानी आप बीच में भी छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है आपकी, ये पॉलिसी क्लोज नहीं होगी, ठीक है। आपका जो भी ये जो अमाउंट होगा वो आपको जब मैच्योरिटी टाइम होगा तब आपका शुरू हो जाएगा, जो आपकी ये जितना आपने भरा है, जो आपका 30 साल का मैंने आपको बताया एग्जांपल, और आपने बीच में जो 10 साल 15 साल किया और उसके बाद में आपका नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका जैसे ही जो टाइम होगा पूरा उसके बाद में आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। उसका जो थोड़ा है अमाउंट थोड़ा घट जाएगा लेकिन रिटर्न आपको मिलना शुरू हो जाएगा और क्लोज व्लोज आपकी पॉलिसी होगी नहीं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है मेरे हिसाब से, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। आप इसके हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए। ये इसका रिटर्न वगैरह अप्रॉक्सीमेटली मैंने आपको बता दिया है इतना कुछ रिटर्न होता है यदि आप इतने इतना करते हो तो। ये आपको क्राइटेरिया भी बता देता हूँ कि इसमें जो कौन कौन लोग ले सकते हैं, इसका क्या क्या एलिजिबिलिटी है और इसमें क्राइटेरिया क्या है, ये भी आपको बता देता हूँ। तो भाई लोगों, इस प्लान को लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया ये आपको समझा देता हूँ। देखो, इस प्लान को लेने के लिए पेमेंट मोड है ना सारे हैं, जैसे जो दूसरे प्लानों में होते हैं ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वो है सब इसमें है। टर्म इसमें है जो 100 साल माइनस एज एंट्री होती है वो आपकी इसमें माइनस हो जाएगी। पीपीटी एक्चुअल में ये होता है कि आप कौन सा प्लान लोगे, उसमें किस्त क्या होगी, वो आपका इसमें जो 15 साल भी होता है, 20 भी होता है, 25 भी होता है, 30 भी होता है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो और आपका जो भी आपका मन है वो आप इसमें ले सकते हो, ठीक है। और इसमें जो इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज एंट्री है ना, कम से कम आपका 90 डेज कम्प्लीट होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो इसमें रखा गया है मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका 70 है, ठीक है। और एंड जो इसका प्लान में जो लेना चाहूँगा आप इस प्लान को, तो उसमें जो माइनस हो जाएगा और कितने टाइम का आप मिल रहा है वो आप देख लेना है अपने हिसाब से, ये इसमें बेसिक है। और इसमें बात करूँ इसमें जो कितना अमाउंट हमें पे करना होता है तो वो आपको बता देता हूँ मिनिमम कितना है और क्या क्राइटेरिया, ये आपको समझा देता हूँ। तो पहले को अब बात कर देता है इसमें मैच्योरिटी टाइम एक्चुअल में जो 100 साल है और इसमें जो कम से कम आप इसमें बीमा ले सकते हो 2 लाख रुपये का, और इसमें मैक्सिमम आप कोई लिमिट नहीं है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। इन केस यदि कुछ होता है बीच में, ये आपका जो आपने प्लान लिया उसके बीच में और बीच में कुछ हो गया, तो जो भी आपका यानी आपका कवरेज होता है वो आपको मैंने बताया, उस हिसाब से आपका कवरेज के हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा आपके परिवार को जो नॉमिनी है, ठीक है। तो ये ऐसे एक्चुअल में ऐसे वर्क करता है और मेरे हिसाब से तो बेस्ट ऑप्शन ही है, क्योंकि देखो 2500 रुपये मंथली हो रहा है तो 2500 में यार बहुत बड़ी रकम नहीं है मेरे हिसाब से। यदि आप पूरे महीने में यदि 15,000-20,000 रुपये कमा रहे हो और उनमें से थोड़ा सा भी जो अमाउंट अपने परिवार के लिए, अपने आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए अपने सेव कर दिया, तो मेरे हिसाब से कहीं बुरा नहीं लगे, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो आप इस प्लान को ले सकते हो और मेरे आसपास वाले जो लोग हैं और मेरे से प्लान लेना चाहते हैं स्पेशली, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हो और वहाँ से डिटेल लेके मैं आपको कॉल कर दूँगा सारी डिटेल लेके, और वहाँ हम एक मीटिंग कर देंगे और मीटिंग से माध्यम से आपका सारा फॉर्म वगैरह भी भर दूँगा। तो आसपास वाले जो लोग हैं मेरे, कॉल करो और इन्फॉर्मेशन दो और मैसेज करो मुझे व्हाट्सएप पे, अभी कभी इस नंबर को नोट डाउन करो और मैसेज करना शुरू कर दो। जो भी जो प्लान लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है इस प्लान को लेने के लिए, तो अभी कभी मैसेज करो मुझे इस नंबर से, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में नए किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।